नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं पेपर 7 पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 3 में। और देखिए, आज हम लोग सूचना का अधिकार और कुछ और अधिकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो ये एक्ट है, ये आया था 2005 में और 12 अक्टूबर 2005 से ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई। 12 अक्टूबर 2005 से ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। और ये जो सूचना का अधिकार है, ये सभी नागरिकों को सशक्त बनाता है कि वो अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग कर सके। अर्थात जो भी सरकार उनके द्वारा चुनी गई है, वो उनसे टैक्स के पैसे लेती है और उस टैक्स को पैसे को कैसे खर्च करती है, इसकी जानकारी उनको मिल सकती है। सरकारी कामकाज कैसे हो सकता है, उसकी जानकारी उनको मिल सकती है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जो सिटीजन्स को पावरफुल बनाता है। ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति मात्र ₹10 के एप्लीकेशन पर, और यदि वो बीपीएल कैटेगरी से आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से, तो वो तो फ्री के अंदर, फ्री आवेदन शुल्क के अंदर आरटीआई फाइल कर सकता है किसी भी सरकारी विभाग में या ऐसे विभाग में जो सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ या पैसा प्राप्त करता हो। ऐसे किसी भी सरकारी ऑफिस में इंफॉर्मेशन के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम जानकारी मांग सकते हैं और वो बाध्य है कि 30 दिन के अंदर वो हमको जानकारी देंगे। और यदि फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो पहली और दूसरी दो अपील हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर ₹50 और ₹100 के शुल्क के साथ में। और फिर जैसा मैंने कहा, बीपीएल कैटेगरी के लिए माफ है। तो सूचना का अधिकार एक प्रकार की सूचना क्रांति है जो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू है, जहां नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, किसी भी सरकारी कर्मचारी से उसके कार्यों के संबंध में, उसके दायित्वों के संबंध में जानकारी मांग सकते हैं। पहला, आवेदन करने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको जानकारी प्राप्त होगी, और दो, अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 20 और 21 है, अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, और दूसरा, जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यदि इससे संबंधित कोई मामला है तो ध्यान रखिएगा, 48 घंटे के भीतर ये असामान्य स्थिति मानी जाएगी, जहां 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के भीतर वो सूचना आपको मिलेगी, अदरवाइज 30 दिन के अंदर वो सूचना आपको प्राप्त होगी। अब देखिए कि सूचना का अधिकार के संबंध में क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट है, या 8 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो मैं कहता हूं, इसमें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप कौन कौन सी सूचनाएं नहीं मांग सकते। आप थोड़ा सोच करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा, जो आपने संविधान में भी पढ़ा हुआ है, कि देश की एकता और अखंडता भंग करे ऐसी कोई सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी भंग करे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी राज्य में दंगे हुए हैं और दंगों की आप जानकारी मांग रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, जो सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत है, एकता और अखंडता को भंग करती हुई, या सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, तो ऐसी सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आया कि भाई केंद्र सरकार की, सरकार के गोपनीय दस्तावेज यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मांग सकते। चौथा, राज्य सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मांग सकते। देखिए, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है यहां पर कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट है। कहने का मतलब, ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं जिनको कोई भी सरकारी विभाग मना कर सकता है, तो ये सारी चीजें आपको अपन जॉट डाउन कर रहे हैं यहां पर। फिर यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार से संबंधित है, यदि कोई मामला किसी व्यक्ति के राइट टू प्रिवेसी संबंधित है, तो इसकी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कि एक महिला का गैंग रेप हो गया या सामूहिक बलात्कार हो गया, तो उसके संबंध में जो जानकारी, उसकी व्यक्तिगत जानकारी है, उसको सामने नहीं लाया जाता है, क्योंकि ये उसकी निजता का मामला है, तो ऐसी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद यदि आप देखें तो किसी
सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते, व्यक्तिगत जानकारी आप हासिल नहीं कर सकते, उसके क्रियाकलापों के संबंध में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी आपने अकाउंट का बैलेंस दिखाओ। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करिए, फिर ये सरकारी कामकाज होगा कि भाई सरकार अपने हिसाब से उसकी जांच करेगी, उसके बैंक अकाउंट की जांच करेगी। आप उसकी जानकारी डायरेक्टली नहीं मांग सकते, तो किसी सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी आप यहां पर नहीं मांग सकते। फिर आप ऐसी जानकारी नहीं मांग सकते जिसे न्यायालय ने वर्जित किया। तो कोर्ट्स ने यदि किसी इंफॉर्मेशन को वर्जित किया हुआ है तो वैसी जानकारी आप नहीं मांग सकते। और यदि मैं अंतिम बोलूं, क्योंकि 8 नंबर में आपको लिखने थे तो पर्याप्त आपके पास वो पॉइंट्स हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या विधानसभा से संबंधित गोपनीय कार्यों की सूचना आप नहीं मांग सकते। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि भैया मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, या मंत्रिपरिषद की इंटरनल मीटिंग हो रही है तो इंटरनल मीटिंग के बारे में, आंतरिक मीटिंग के बारे में आपको जानकारी हासिल नहीं हो सकती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है, जो देश की संप्रभुता से संबंधित है, गोपनीय दस्तावेज है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी का मामला है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, या किसी सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है कि आप जानना चाह रहे हो भैया उसने कितनी शादी की, तो आपको क्या लेना देना है उसने कितनी शादी की। यदि गैर कानूनी रूप से उसने शादी की है और यदि आपको लगता है तो आप कोर्ट में केस फाइल करिए, और यदि कोर्ट में केस फाइल कर होगा तो फिर उसके बाद कोर्ट उसकी जांच करेगा। तो यहां पर मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो आराम से आप सिंपली लिख सकते हैं इसे न्यायालय ने वर्जित किया हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानसभा संबंधित जानकारी, दैट मींस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफिस और द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इससे संबंधित जानकारी आप यहां पर नहीं मांग सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि सूचना के अधिकार संबंधित और भी यदि प्रश्न पूछता है आपसे, तो सूचना का अधिकार जो है उसकी धारा 12 के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और धारा 15 के अंदर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं यानी चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि केंद्र सरकार में नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा यहां पर, और राज्य सरकार में कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये किसकी सलाह पर करेगा, यहां पर एक समिति की सलाह पर करेगा, जिस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और नंबर 3 पे यदि मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री मंडल का सदस्य। अभी की भाषा में समझाओ तो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके खास अमित शाह हो सकते हैं, और विपक्ष के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं उनको लिया जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे यही वो समिति है बेटा जो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग, इनकी भी नियुक्ति इसी समिति की सिफारिश पर होती है, और राज्य सूचना आयोग और यहां पर केंद्रीय सूचना आयोग की यदि मैं बात करूं धारा 12 में, तो इसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इसी समिति की सिफारिश पर होती है। यदि राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राज्यपाल कौन सी समिति की सिफारिश पर काम करेंगे, जिसमें सीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, यानी विष्णुदेव साय जी हो सकते हैं, ओपी चौधरी हो सकते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में डॉक्टर चरण दास महंत हो सकते हैं यदि राज्य सूचना आयोग में राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है तो। तो ध्यान रखेंगे यहां पर आप केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और राज्य सूचना आयोग के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में पर्यावरण को परिभाषित करिए। देखिए पर्यावरण की परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5वीं में आपने पहली बार पर्यावरण की परिभाषा पढ़ी होगी, लेकिन यहां पर जब भी किसी एक्ट से संबंधित कोई भी परिभाषा आती है तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको हमेशा धारा 2 का नाम जरूर लेना है, ठीक है। तो धारा 2 के अंतर्गत आप पर्यावरण को डिफाइन करेंगे, सिंपल है, पर्यावरण की परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत और क्या परिभाषाएं पूछ सकता है सर? देखिए पर्यावरण की परिभाषा तो एकदम सिंपल है,
अब कोई खाली परिभाषा लिख के तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा? जब उसने लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में पर्यावरण की परिभाषा दी हुई। ठीक, पर्यावरण के अलावा, पर्यावरण के अलावा और कौन कौन सी परिभाषा है? एक है पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये कहता है कि जब पर्यावरण में प्रदूषकों की संख्या बढ़ जाए, पॉल्यूटेंट्स की संख्या बढ़ जाए तो वह स्थिति पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। अब देखिए, जब पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों की संख्या बढ़ जाए, पॉल्यूटेंट्स की संख्या बढ़ जाए, इसी पर्यावरण प्रदूषक को एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को डिफाइन किया गया है यहां पर, कि ऐसा कोई भी द्रव्य, लिक्विड, ठोस, सॉलिड या गैस, यानी गैसियस सब्सटेंस, एनी सच सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो पर्यावरण को हानि या नुकसान पहुंचाता है, विच कॉजेज हार्म टू द एनवायरमेंट, इज नोन एज व्हाट? एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो यहां पर एक तो प्रदूषण की परिभाषा आपको समझनी, एक एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की परिभाषा आपको समझनी, यानी पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा समझनी, तो एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई। पर्यावरण की परिभाषा आप समझ जाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जब प्रदूषकों की संख्या बढ़ गई, प्रदूषक क्या होते हैं, द्रव्य, ठोस या गैस पदार्थ जिनसे पर्यावरण को हानि पहुंचती। और इसके बाद एक और परिभाषा है आपसे पूछ सकता है, जो परिसंकटमय पदार्थ, हैजार्डस सब्सटेंस, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था 2 और 3 दिसंबर को, तो इन सब चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है। और क्या पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों का उल्लंघन किया जाए तो क्या शास्ति हो सकती है? शास्ति कहने का मतलब यहां पर अपराधों की बात हो रही है, और यदि अपराध की बात पूछ रहा है, 4 नंबर में आपसे पूछ रहा है, तो आप ये बताएंगे कि नंबर 1 पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है, 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों ही प्रकार की चीजें हो सकती हैं यदि जुर्म बड़ा है तो, और विशेष केस के अंदर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखने में बड़ा आसान लगता है, हमको लगता है कि यार पर्यावरण का क्या, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लास्टिक आप और हम फेंकते रहते हैं पर्यावरण के अंदर, तो हमको लगता है कि ये क्या है, यदि याद रखें। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण यदि आप करते हैं, वो भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 1,00,000 तक का जुर्माना, दोनों या 7 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की यदि हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनकी भी एक जवाबदारी बनती है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम रखें, मानकों पर रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि सरकारी अधिकारी ये मानक तय करते हैं, वही जाकर के चेकिंग करते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि दीपावली पे जब भी दीपावली की बात आती है तो पूरे सोशल मीडिया से आवाज उठ पड़ती है, दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक बोलता है फटाके मत फोड़ो, दूसरा पक्ष बोलता है खाली दिवाली होती तो प्रदूषण होता है क्या, दूसरे त्योहारों पर प्रदूषण नहीं होता है क्या। तो हमको अब थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है और चीजों को समझने की जरूरत है। जैसा अब हम देखते हैं कि गर्मी में कभी भी बरसात हो जाती है, या ठंड में कभी भी बरसात हो जाती है, कोई भी मौसम कभी भी परिवर्तित हो जाता है, जो क्लाइमेट चेंज की हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होने वाला है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझें और उसके बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में चीजों को हैंडल करें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया आगे भविष्य हो सकता है। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, जागो ग्राहक जागो, आपने कई बार सुना होगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन पहला क्या पूछा हुआ है, जिला उपभोक्ता फोरम में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो जिला उपभोक्ता फोरम है वो क्या होता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री।
सेंट्रल कंज्यूमर मिनिस्टर, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो है राज्य उपभोक्ता मंत्री, स्टेट कंज्यूमर मिनिस्टर होते हैं आपके। और एक जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम हुआ करता है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब होते। यहां पर पूछ रहा है कि भाई जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम है वहां पर कितने राशि तक का जो मामला है वो जा सकता है, या कितने रास्ते की राशि की क्षतिपूर्ति का दावा उपभोक्ता कर सकता है कि भाई उपभोक्ता को ठग लिया गया है, मान लीजिए उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हुआ है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसके अधिकारों का संरक्षण करेगा। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम 20 लाख तक के केस देख सकती है। राज्य उपभोक्ता फोरम राज्य स्तर पर जो राज्य उपभोक्ता मंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस या क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार करती है। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद 1 करोड़ से अधिक का दावा स्वीकार करती है। यहां पर तो आप देखेंगे कि भैया यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं कि जिले वाला पूछे, आपसे जिला भी पूछ सकता है, उसका अध्यक्ष भी बता सकते हैं, राज्य उसका अध्यक्ष, केंद्रीय उसका अध्यक्ष, और क्या क्या लिमिट है, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अधिक यहां पर क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। दूसरी बात, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अंतर्गत व्यक्ति की क्या परिभाषा है। अब मान लीजिए आप नहीं समझ पाए चीजों को उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अंतर्गत, तो भी आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की परिभाषा क्या है। भाई देखिए, एक तो हुआ उपभोक्ता और दूसरा हुआ व्यक्ति। व्यक्ति यानी यहां पर किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। देखिए पर्सन का मतलब यहां पर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो मार्केट में उपस्थित है, जो बाजार में उपलब्ध है, और जहां कंज्यूमर जाकर के जिससे किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पेन खरीदा या स्टाइलस खरीदा, ये वस्तु है जिसको आप छू सकते हैं। आप गए और आपने एरोप्लेन का टिकट लिया या ट्रेन का टिकट लिया और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब आप बोलेंगे सर मुझे वस्तु तो नहीं मिली बेटा, लेकिन आपको सर्विस मिली है, सेवा। सेवा को आप महसूस कर सकते हैं, वस्तु को आप छू सकते हैं। ये दो ही चीजें मार्केट में आप लेकर के जाते हैं, इसलिए आप बताते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो ध्यान से सुनिएगा यहां पर कि जब भी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है या ग्रुप की बात हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति की परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में वर्णित है, जिसके अनुसार व्यक्ति कोई सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या एक ग्रुप भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी अ सिंगल फर्म, इट कैन बी अ ग्रुप फर्म, ओके, थ्रू जो जिसका उपभोक्ता के साथ में बाजार में लेन देन होता है या क्रय और विक्रय होता है, उसे ही हम व्यक्ति कहते हैं। ठीक, उपभोक्ता की परिभाषा है तो आप क्या बोलेंगे कि उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत वह व्यक्ति होता है जो बाजार में वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, वस्तु या सेवा का वो खरीदता है, उसका उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उपभोक्ता की और व्यक्ति की डेफिनेशन आप बता सकते हैं सिंपली। यूनिवर्सल पीडीएस पर यहां पर आपको संक्षिप्त में लिखने बोला, यूनिवर्सल पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर जो खाद्यान्न होते हैं उनको सस्ती दरों पर यानी चीप रेट्स पर उपलब्ध कराया जाता है लोगों को। यदि हम लोग देखें तो ये देश में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के लिए लाई गई है कि देश में खाद्य सुरक्षा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, आपको इसकी जानकारी होगी भी कि जब इंदिरा गांधी पावर में आई थी तो उस समय देश की हालत बड़ी खराब थी, और उसी समय हम लोगों को अमेरिका से PL 480 धान मंगाना पड़ा था जो उस समय वहां के जानवर खाते थे। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए इसलिए FCI बनाया गया, भारतीय खाद्य निगम बनाया गया, और ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही ये पीडीएस योजना कार्य करती है। तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 4 नंबर में यहाँ पर पूछा हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्यों का किया का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप यदि उद्देश्य देखें बेटा तो आप देखेंगे कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों से परिचित कराना, टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, दूसरा उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करना, तीसरा उपभोक्ता की शिकायत पर जांच करना, और चौथा शिकायत सिद्ध हो जाने पर, है ना, यदि प्रूफ हो गया शिकायत सिद्ध हो जाने पर उसे कानूनी सहायता दिलाना, और क्षतिपूर्ति
दिलाने में भी मदद करना। अब जैसे हमने देखा कि जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख तक का, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में 20 लाख से 1 करोड़ और अबव 1 करोड़ इन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो यहाँ पर ये सारे काम यदि आपसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद पूछे या राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पूछे या जिला उपभोक्ता फोरम पूछे, आप लिख देंगे यही सारी चीजें, ये जिला स्तर पर लिख देंगे या राज्य स्तर पर लिख देंगे या केंद्र स्तर पर लिख देंगे, तो आप यहाँ पे आराम से चीजों को उल्लेख कर सकते हैं और हम इन सब चीजों को आप मिला करके प्रस्तुत करेंगे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आप विवेचना भी कर सकते हैं। ठीक, तो एकदम इजी है, आराम आराम से पेपर 7 को, क्योंकि इस बार जो परीक्षार्थी पेपर दे रहे हो सकता है अगले बार सिलेबस चेंज हो जाए, इसका जो पोर्शन है वो घट बढ़ जाए, तो आराम से और बढ़िया तरीके से विदाई देनी है पेपर 7 पार्ट 1 को। अभी क्या बेमानी या कपट पूर्वक तत्व कंप्यूटर संबंधी अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है, आप खुद सोचिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट आया गया उसका उद्देश्य भी यहाँ पर पूछा हुआ है, आप क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं? इसका उद्देश्य यह होगा कि भाई कोई बेईमानी या कपट पूर्वक कोई भी जानकारी हासिल कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तभी तो यह अपराध माना जाए, है ना, तभी तो अपराध माना जाएगा। कहने का मतलब ये साइबर क्राइम माना जाएगा, साइबर क्राइम। तो ये जरूरी है, अपराध सिद्ध करने के लिए बेईमानी या कपट पूर्वक तत्व सिद्ध करना आवश्यक है, इसे साइबर क्राइम का दर्जा दिया जाता है। फिर ये साइबर आतंकवाद को रोकने का प्रयास करता है, साइबर टेररिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, साइबर आतंकवाद को रोकने का प्रयास करता है। फिर कई बार हमको देखने को मिलता है कि लोगों की निजता को भी सामने लाया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, तो यहां पर आप देखेंगे तो निजता के अधिकार को भी संरक्षित करता है। अभी हाल ही में केस हुआ था जहां एक कपल सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, जहां उनकी कुछ प्राइवेट जो सामग्री थी वो लीक हो गई थी, और उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत रिट पिटीशन लगाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी 3-4 साल पहले की बात है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें भूल जाने का अधिकार भी प्राप्त है, कहने का मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन, तो जो भी प्राइवेट जानकारी है वो इंटरनेट से डिलीट कर दी जाए ताकि उनकी निजता का अधिकार संरक्षित हो सके। तो याद रखना ये सूचना का, इस सूचना का अधिकार अधिनियम अलग था बेटा, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात हो रही है। कहने का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेईमानी या कपट पूर्वक ली जा सकती है, उसको सिक्योर करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर आतंकवाद को रोकने के लिए, निजता के अधिकार को संगठित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये लाया गया है, यही इसके उद्देश्य। ठीक, चलिए अगला, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ओका 1998 के तहत किस व्यक्ति की विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाएगी। देखिए विशेष न्यायाधीश का यह मतलब होता है कि विशेष न्यायाधीश जो भ्रष्टाचार के केसेस में अपराध घोषित कर सके, है ना, किसी को अपराधी बना सके। अब अपराध जो घोषित कर सकता बेटा उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं, आपने सुना होगा जिला और सत्र न्यायाधीश होते ये एक ही हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पर डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में वो सिविल केसेस में निर्णय सुनाता है और सेशन जज के रूप में वो क्रिमिनल केसेस में। तो यहां पर अर्थ ये है बेटा, क्वालिफिकेशन ये है, किसी भी प्रकार से स्पेशल जज यदि बनना है कोका के अंतर्गत, तो क्वालिफिकेशन ये है कि वो व्यक्ति सत्र न्यायाधीश, वो असिस्टेंट सेशन जज भी हो सकता है, यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी हो सकता है, अपर सेशन जज भी हो सकता है, अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश हो सकता है। तो सत्र न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज, अपर सेशन जज या सेशन जज वो हो सकता है यदि उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, और याद रखेंगे इसकी धारा 3 में, इसकी धारा 3 में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बेसिकली जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे आप भी जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, तो आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है। ठीक है, यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। अब ध्यान से सुनेंगे, लोक सेवक को परिभाषित करने की ये बात कर रहे हैं, तो लोक सेवक क्या है, देखिएगा लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, इसमें आप 3 चीजों को पहले लिख लीजिए, पहला विधायिका को लिख लीजिए लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका को लिख लीजिए और तीसरा न्यायपालिका को, यहीं से आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे।
ठीक है। तो लोक सेवक के रूप में सबसे पहले केंद्र की विधायिका के सदस्य, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सेंटर, है ना, या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स, जो एमपीज की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा। फिर दूसरा राज्य की विधायिका के सदस्य, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, है ना। नंबर तीन पर यदि हम देखें तो केंद्रीय मंत्री, विधायिका के बाद कार्यपालिका का नंबर आ गया। चौथे नंबर पर राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट या स्टेट के मिनिस्टर, है ना। इसके बाद देखिए, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये केंद्र सरकार में होते हैं, और एक स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, तो जो राज्य सरकार में, तो दोनों को आप लिख सकते हैं यहां पर। कार्यपालिका में केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी जो वेतन भोगी हैं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जो वेतन भोगी हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज, ठीक है। विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, रजिस्ट्रार वगैरह हैं, ये सारी चीजें आएंगी। और जो भी सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत हो, वो भी इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई ठेकेदार है जो सरकारी ठेके पर काम कर रहा है, कोई पुल बनाया लेकिन वो पुल गिर गया और उससे लोगों की मृत्यु होगी, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। फिर आप लिख सकते हैं न्यायपालिका में, है ना, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, या न्याय प्रशासन से संबंधित, छत्तीसगढ़ पीएससी में एक पेपर होता है एडीपीओ, ये न्याय प्रशासन से, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है एडीपीओ, ठीक, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी। यहाँ पर आपसे 8 नंबर पूछा हुआ है, हमने आपको 12-13 पॉइंट बता दिए, तो आप आराम से लोक सेवक की परिभाषा लिख सकते हैं। यदि आपने लोक प्रशासन पढ़ा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आपस में एक दूसरी चीजों को जोड़ करके पढ़ना है, यदि आपस में चीजों को आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो एक बेहतर तरीके से, एक शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम में, खासकर पेपर 7.1 में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले और आखिरी लेक्चर में हमारे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.